हेलो फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो हम लोग भी बहुत अच्छे। तो आज है सबसे बड़ा पवित्र कार्तिक पूर्णिमा। तो आज का दिन ना बहुत बड़ा होता है। जैसा हम लोग उड़ीसा से, तो हमारे लिए सबसे बड़ा पूर्णिमा होता है आज के। तो दिन या रात में ही लोग मतलब 3 बजे 4 बजे उठ के पहले चले जाते हैं नदी में नहा धो के। जो भी हमारा रहता है ना, वही तो बंधाना करते, पूजा करते, जो बोई तो बना के फिर उसको नदी में बहाते हैं। और जो पितृलोक रहते हैं उनका ये पूजा होता है। हमारे में तो यहाँ ओडिशा के जैसा मैं जिस तरफ बिलोंग करती हूँ, तो हमारे में यही रहता है कि जो पितृलोक रहते हैं उनको दीपदान करते हैं। मतलब वो बोट जैसा बना के केले का उसमें बोट बनाते हैं, और उसके बाद में ना हम लोग पूजा वगैरह करते हैं। गाँव में तो 4 बजे पूजा ये ख़त्म होके सब मंदिर जाके सुबह होते सबकी पूजा पाठ ख़त्म हो जाती है। पूरा दिन इधर उधर मंदिर जाना, ये करना सब करते। तो हम लोग यहाँ पे देखिए बोट को छोड़ने नहीं जाते, तो बोट को छोड़ते हैं ना। तो हम लोग यहाँ पे तो छोड़ने नहीं जा पाते, क्योंकि ना यहाँ पे पास में नदी है ना कुछ, और जो समंदर बीच वगैरह है वो बहुत दूर है, तो वहाँ पे तो नहीं जाते। लेकिन आज बहुत साल बाद हमने कहीं पे आए हैं, जो कि मैं पहले आई थी 3-4 बार, तो मैंने अभी 7-8 साल बाद यहाँ पे आई हूँ। और ये हर साल यहाँ पे होता है, ऐसा पूजा होता है, खाना वगैरह बनता है, हवन होती है, तो यही सब होता है पूर्णिमा के दिन। और यहाँ पे ना मतलब सब ओडिशा वाले ही थे, सब पूरे के पूरे थे, और सब मतलब जितने मुंबई में रहते उतना नहीं, जितने आए थे सब ओडिशा के थे। 95% तो ओडिशा के थे, बाकी 5% कोई किसी का पहचान में या फ्रेंड में कुछ रहेगा तो वो लोग आए हुए थे। तो बहुत अच्छा लग रहा था इधर सब लोग को मिलके। यहाँ पे हर साल वही रहता है, सब लोग मिलके ना खाना बनाते हैं उधर, मतलब खाना भी रहता है, पूजा भी करते हैं, और सब एक गेट टुगेदर जैसा, मतलब सब एक दूसरे से मिल लेते हैं। तो पूर्णिमा के दिन इधर आसपास जितने भी रहते हैं उड़ीसा वाले, तो वो लोग आए थे। और इधर का व्यू देख के मुझे इतना अच्छा लगा था ना, बहुत अच्छा लगा। और मैं जब आई थी ना पहले 7-8 साल पहले, तो इतना सब कुछ नहीं था, लेकिन अभी तो बहुत अच्छा हो गया था। और यहाँ का व्यू देखिए बहुत अच्छा था, हर चारों तरफ बस हरियाली हरियाली थी। तो यहाँ पे देखिए ये बहुत अच्छा लग रहा था। तो मैं जब आई थी ना पहले, तो यहाँ पे जो मैरिज हॉल है शायद, और एक पेट्रोल पंप भी है, तो दोनों ही नहीं था पहले, इतना कुछ था ही नहीं। अभी ये सब बनने लगा, सामने तो बिल्डिंग वगैरह है, और ये कैसे ना थोड़ा ऐसा ऊपर है, तो पहले मंदिर तक गाड़ी भी नहीं आती थी, नीचे ही रह जाता था। 4-व्हीलर तो ऊपर आ ही नहीं पाती थी, बाइक वगैरह एक बार आ जाता था अभी, लेकिन 4-व्हीलर भी ऊपर तक आ रहा था, आ गया था। और टॉयलेट बाथरूम भी इधर था, बहुत अच्छा लगा। अभी बहुत इम्प्रूवमेंट हो गया था, मंदिर का भी बहुत डेवलपमेंट हुआ था। तो यहाँ पे देखिए ये है श्री जगन्नाथ महादेव मंदिर, जो कि मुंबई के थाने में है। तो ये मंदिर बहुत अच्छा लगा मुझे, थोड़ा जगन्नाथ जी का मंदिर जैसे ही मंदिर ऊपर से बना हुआ था, शिव जी का मंदिर है, और बहुत अच्छा लगा। और बोलते बहुत पुराना मंदिर है, मैं तो इसके बारे में मतलब 16-17 साल से मैं भी जानती हूँ कि ये मंदिर मतलब है। तो उसके बाद में देखिए हम लोग यहाँ पे सब एक दूसरे से मिल रहे थे, तो इतना मज़ा आ रहा था, सब एक दूसरे से बातें करने में लगे हुए थे। यहाँ पे मैं और मेरी बहन भी खड़े थे, हम लोग और ये हमारे साथ आए थे, मेरे फ्रेंड थे, वो भी बात कर रहे थे, हम सब एक दूसरे से बात कर रहे थे। बहुत जन को तो इसमें से मैं पहचानती थी, बहुत जन को मैं जानती भी नहीं थी, और बहुत सारे जन को मैं पहली बार मिली थी जिनसे मेरी बातचीत हुई। तो बहुत अच्छा लगा सब लोग को मिलके, बहुत मज़ा आया। ऐसा होता है ना कि गांव भी नहीं गए थे 2 साल से, तो यहाँ पे सबको मिलके, और मेरे मम्मी के इधर का ना बहुत सारे जन आए थे, तो बहुत सारे फैमिली आए थे, सबसे मिले, तो बहुत अच्छा लगा, एक गाँव वाला फीलिंग आ गई तो सब लोग को मिल के। और बहुत अच्छा लगा था, यहाँ पे बच्चे भी खेल रहे थे, और बच्चों को भी खेलने के लिए बहुत सारे जगह थी, और साइड पे पूजा भी हो रही थी, हवन भी हो रही थी, तो वो भी बैठे थे हम लोग मंदिर पे ही। खाना वगैरह सब तो आज यहीं पे ही खाना था, तो बस अभी हम लोग 1:30 बजे पहुँचे थे, अभी लगभग तो 2-2.5 बज गया रहेगा। तो यहाँ पे देखिए ये क्यूट सा जो बच्चा दिख रहा है ना छोटा सा, तो ये मासूम सा बच्चा है मेरा भतीजा, जो अभी से बस 6 मंथ का ही हुआ है, और इसको भी मिले थे हमने। अभी तो मिलने जाते थे, मतलब ऐसा जाते पास में, लेकिन जितना भी मिलते ना अभी, जितना बड़ा होता है तो उतना अच्छा लगता है। पहले छोटा था, सोया रहता था, अब जैसा बड़े होते तो बच्चे थोड़ा एक्टिविटी भी करते तो अच्छा लगता है। अभी इसको हम लोग बोलते थे ना ऐसा, हम लोग में कामोची बोलते, हाथ फोल्ड करके खोलना, तो अभी वो भी करने लगा, और थोड़ा थोड़ा तो अभी बैठने भी लगा है।
तो वहाँ पे देखे इतना होने के बाद ये जो फोटो में दिख रही है ये मेरी भतीजी, तो उसकी जो बाबू दिखाई ना उसकी बड़ी बहन है ये। हम लोग मैं बताऊंगी कभी हमारी फैमिली के बारे में। तो अभी यहाँ पे देखिए इसको, ये कैमरा में ना मोबाइल में जैसा कैमरा में अपने आप को देख के इतना खुश हो रहा था ना, जा रहा था मोबाइल पकड़ने के लिए। ऐसे सब एक्टिविटी करते हैं ना, बहुत अच्छा लगता है बच्चे। तो यहाँ देखते देखते हमारा अभी खाने की टाइम हो गई थी, मतलब बहुत सारे जन तो पहले खा चुके थे, बहुत सारे जन बाकी थे। जैसा पूरा जितना जगह था ना इसमें जितने जन आते थे एक बार एक ट्रिप खाते थे, फिर दूसरा ऐसा करते करते हमारा शायद थर्ड या फोर्थ था। तो उसके बाद हम लोग लास्ट थे, बाद में जो खाना बांटते थे ना जो सर्व करते थे वो लोग ही बाकी थे। तो बहुत दिन बाद ऐसे केले का पत्ता नीचे बैठ के खाना खाने में बहुत मज़ा आ रहा था। तो यहाँ पे देखिए हमने बाबू को दे दिए थे, उसके बाद हम लोग खाना खाने बैठे थे। तो पहले केले का पत्ता है उसके ऊपर पानी डाले, फिर खाना, बहुत अच्छा लगा था यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए हम लोग का पहले दाल चावल आया, फिर उसमें दाल, फिर ये खट्टा था सब्जी, मतलब भिंडी और टमाटर का वो एक सब्जी बना था खट्टा मीठा वाला। और ये जो है ना इसको हम लोग गुड़ाम्बो बोलते हैं, हमारी तरफ एक एक गुड़ाम्बो और एक जो अभी आया ना मिक्स सब्जी जिसको घंटो बोलते हैं, ये दोनों तो कंपलसरी रहता है कोई भी शादी का खाना रहे या जैनों का खाना रहे कुछ भी रहे, हमारी तरफ तो ये दोनों कंपलसरी रहते हैं। और उड़ीसा का जो घंटो सबसे बेस्ट है। और उसके बाद में देखे यहाँ पे पनीर का भी पनीर का सब्जी था और सैलेड था और खीर था, ये सब खाना आ गया था। और हम लोग को जैसे एक टाइम ही खाना खाना रहता है तो सब लेट ही खा रहे थे, अभी तो 3 साढ़े 3 तो हो ही गया रहेगा। तो यहाँ पे देखिए हम लोग खाना खा रहे थे बैठ के और बहुत अच्छा लगा था ऐसा लाइन पे, 2 साल बाद मैंने ऐसा देख रहे थे ना, मेरे को बहुत मज़ा आया कि ऐसा हमारी तरफ तो आज भी ऐसे है, हम ऐसा नीचे बैठ के गांव में शादियों में वो सब बहुत सारा है, 90% तो आज भी यही प्रथा है। और हमारी तरफ तो गांव है तो प्रॉपर वहाँ पे ऐसे ही होता है, तो सब नीचे बैठ के खाना खाते हैं। और यहाँ पे देखिए हम खाना खा के आके बैठे थे और यहाँ पे देखिए मंदिर है, यही शिव जी का मंदिर है, बहुत बोलते पुराना मंदिर है, बहुत अच्छा लगा देख के। और यहाँ पे देखिए गणपति बप्पा है, बजरंग वाली है, सब है। और यहाँ पे जैसा कि उनकी टाइमिंग रहता है, अभी दोपहर का टाइम था तो मंदिर जैसा बंद रहता तो गेट बंद ही रहता है। बस ऐसा हो गया था, फिर अभी खाना खाने के बाद ना मंदिर का दर्शन वगैरह सब हो गया और यहाँ पे थोड़ा बैठे थे। और हालत इतनी ख़राब हो रही थी ना क्या बताओ, इतनी गर्मी पड़ रही थी, खुले खुले होने के बाद भी इतना हवा तो चल ही रही थी पर हवा से ना कुछ नहीं हो रहा था, पंखे की ज़रूरत थी। खाना खाने के बाद तो और भी गर्मी लगने लगा, तो बस ऐसा खुले बाल में तो बहुत गर्मी लग रही थी। तो सबसे पहले जुड़ा बांध के इधर बैठ गए और यहाँ पे ना उसे डर लग रहा था नीचे कुछ तो फेंकने जा रही थी, मैंने बोली वहीं पे फेंक दे, इतनी बाउंड्री तो हो रखा है, फिर भी उसे डर लग रहा था वहाँ फेंकने के लिए। और यहाँ पे बस अभी घर जाने का है, तो खाना खाने के बाद यहाँ पे छाछ भी था तो सब छाछ पी रहे थे और बैठ के बातें कर रहे थे। ऐसा टाइम फिर से कब आने वाला है क्या पता, अभी अगले साल देखते, अगले साल होएगा तो फिर आएंगे। तो ऐसा सब बातचीत ख़त्म हो गया और अब निकल गए हम घर की तरफ। तो अभी बस जा रहे हम घर, घर जाते जाते भी गाड़ियों में मस्ती करते, जब अपना मिल जाते हैं ना, मतलब सब अपने अपने जब इकट्ठे हो जाते हैं ना तो मस्ती मजाक यही चलता रहता है। तो यहाँ पे देखिए इसका मजा, ये फिर से कपड़ा वगैरह चेंज करके फिर बैठ गया था। छोटे बच्चे होते हैं ना बस इनकी लाइफ ही सबसे अच्छा होता है ना, अभी इनको कुछ टेंशन ना कुछ समझ, बस खाना पीना रोना हंसना इनका वही रहता है। और इनको इतना पैम्पर भी करते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं, बस यही लाइफ एक सबसे बेस्ट वाला लाइफ रहता है। बाद में तो टेंशन ही टेंशन आ जाता है, 2-3 साल का भी हो जाए तो भी 2 साल में तो टेंशन ही आ जाता है, आजकल तो 3 साल में तो स्कूल भी जाने लगते हैं। तो बस वही हो रहा था, रास्ता थोड़ा आधा घंटे का ही रास्ता था, आधे घंटे में हम घर पहुँच गए थे। तो बस यहाँ पर अभी जाएँगे सीधा बहन के घर पर। तो आज वाला पूर्णिमा बहुत बड़ा रहता है, आप लोग के साइड पे कैसे पूजा कर वगैरह करते हैं, आप कैसे मनाते हो जरूर कमेंट करके बताना। हमारे साइड तो ये पूरा महीना मतलब पूजा पाठ रहता है, आज उद्यापन रहता है, बहुत जन हविसो बोलते हैं तो वो लोग हविसा करने चले जाते हैं, बहुत जन जगन्नाथपुरी में जाते हैं उधर ही रहते एक महीना। और सब गांव में भी रहते हैं ना, 4 बजे 5 बजे से उठ के नहा धो के मंदिर में जाके रोज का उनका रहता है, 3 बजे तो मतलब मेरी मम्मी लोग भी करते हैं तो वो लोग भी 3 बजे से उठ जाते हैं, नदी में पूजा करते हैं, बालू का पूजा बोलते हैं, फिर मंदिर जाते हैं। हमारी तरफ तो बहुत करते पूरा कार्तिक का महीना, मंदिरों में भी 3 बजे सब मंदिरों में माइक चालू हो जाते, गांव में ये बहुत एंजॉय करते थे जब छोटे थे। अब तो कहाँ गाँव इतना जा पाते और इस महीने में तो बिल्कुल भी नहीं जा पाते।
तो उसके बाद बहन के घर में रुक गए, तो अभी 7:30 बज रहा था, हम निकल रहे घर की तरफ, अब चले जाएंगे, बस 10 मिनट की दूरी है, मेरी भी घर आ जाएगी, फिर घर जाएंगे, घर जाके फिर दिया बत्ती पूजा वही करने वाले। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के ब्लॉग को यहीं पे एंड करते। अगर आप लोगों को ब्लॉग अच्छी लगी रहेगी तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। बाय बाय।